समय काल और परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ बदलता है। सोच बदलती है, नजरिया बदलता है, जीने का तरीका बदलता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो फिर परसों नहीं होगा। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमसे तमाम गलत चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमारी सोच की वजह से, हमारे नज़रिए की वजह से हमें अपना गलत गलत नहीं दिखाई देता। हमें ये लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, वही परम सत्य है। पर सही गलत का निर्धारण हमारी सोच और हमारे नज़रिए से ही नहीं निर्धारित होता। एक बाहुल्यता जो है, जब उस सत्य को स्वीकारती है तभी सही सही और गलत गलत साबित होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल अवध का आलोक पर। दोस्तों, आप सभी के ढेर सारे प्यार और सपोर्ट की वजह से अभिभूत हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी इन पंक्तियों को अच्छे से समझते हैं और सकारात्मक रूप में अपनाते हैं। गर्मियां अब बहुत बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि धूप का प्रकोप ऐसा है कि पानी देने के बाद एक घंटे के अंदर अंदर ही गमलों की पूरी नमी चली जा रही है। अब कुछ ना कुछ करना होगा। गर्मी और धूप को कम करना वो हमारे हाथ में नहीं है, हाँ बढ़ाया हमने जरूर है। पॉलीथीन का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण, साथ ही साथ जो है बहुत सारे प्रयोगों और बहुत सारे उपकरणों के इस्तेमाल के कारण धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और वास्तव में जो पहले स्थितियां एक दो साल पहले थीं उनसे कहीं विकट स्थितियां अब धीरे धीरे करके आने वाली हैं। खैर, तो यहां पर मैं बात कर रहा था गर्मी से पौधों के बचाव की। तो बचाव के लिए 3-4 तरीके आपको अपनाने हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके गार्डन के अंदर अगर बड़े पौधे लगे हुए हों तो अपने गमलों को अब धीरे धीरे करके उनके आसपास शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि बड़े पौधे जो होते हैं, जो ज़मीन में लगे होते हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो धूप को रोकते हैं और नमी को भी रोकने का काम करते हैं। धूप को, मतलब धूप से पौधे को बचाते हैं और नमी को गमले में रोकने का काम करते हैं। तो मैंने भी वही किया। अभी सबसे पहले मैं अपने गार्डन को सारा जो है वो उस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे गार्डन के कुछ बड़े पौधे लगे हैं, जैसे चांदनी है, हर श्रृंगार है, टिकोमा है, बॉटल पॉम लगा हुआ है, दो बड़े बड़े हिबिस्कस के पौधे हैं इधर। तो इधर काफ़ी हद तक छांव आ जाती है दोपहर के समय, इसलिए मैंने ग्रीन नेट के साथ साथ ये छांव वाला एरिया सेलेक्ट किया। गर्मी बहुत लगने लगी थी, शर्ट पहन के काम नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने शर्ट उतार दिया। प्लीज़ इग्नोर इट। इग्नोर क्या मतलब, माइंड मत कीजिएगा ज़्यादा। तो साथ ही साथ जो है, जब हम शिफ्टिंग करते हैं पौधों की, तो फ़ायदा एक ये हो जाता है कि कोई भी पौधा अगर प्रॉब्लम में होता है तो पता चल जाता है, और किसी पौधे के अंदर बीट्स वगैरह निकली होती हैं तो हम लगे हाथ वो भी निकालते हैं। मैं तो ये करता ही जा रहा था। और गर्मी में शिफ्टिंग करके पौधों को ग्रुप में रखना वो बहुत अच्छा होता है। मतलब जो तीसरा उपाय जो है वो, गमलों को दूर दूर बिल्कुल मत रखिए। गमले जितने पास पास होंगे नमी का खिंचाव उतना ही कम होगा, मतलब नमी उतनी ही देर में ख़त्म होगी। इसी वजह से मैंने अपने सारे गमलों में मात्र 2-2 इंच का गैप करके जो है वो सारे गमलों को एक साथ शिफ्ट कर दिया। हो सकता है मेरे पास इस बार जो मैंने जुगाड़ से स्टैंड में बनाता हूँ वो कम पड़ जाए, क्योंकि है क्या कि बहुत सारे पौधे नए जो लगे हैं वो भी स्टैंड पर आ जाएंगे, और उधर जो बड़े पौधे रखे हुए थे उनका स्टैंड मैंने छीना है उनसे, तो वो कहाँ पर जाएंगे। खैर, वो चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। तो 3 उपाय मैंने आप लोगों को बता दिए। पहला, बड़े पौधों की छांव में पौधों को धीरे धीरे शिफ्ट कीजिए। दूसरा, ग्रीन नेट का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, पौधों को ग्रुप में रखिए। अब चौथी चीज जो करके हम पौधों को जो है वो पौधों को बचा सकते हैं धूप में जलने से और जो है नमी रोक सकते हैं, वो है मल्चिंग। जितने भी खराब फूल आपके गार्डन के निकले, मतलब आजकल तो होता क्या है कि ग्राउंड पर अगर हिबिस्कस आपने लगा रखा है या पॉट में ही लगा रखा है तो बहुत हैवी फ्लावरिंग करते हैं और शाम तक स्पेंड होकर फूल गिर जाते हैं, उन फूलों को इकट्ठा कीजिए। और साथ ही साथ आपके गार्डन में बहुत सूखी पत्तियां भी निकलती होंगी, उनको इकट्ठा कीजिए। 1-2 दिन अच्छे से धूप दिखा दीजिए, जब वो अच्छे से सूख जाएँ, खैर तो सूख ही जाती हैं, मैं तो ऐसे ही उठाकर आज शाम वाली कल सुबह मैं जो है गमलों के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ।
होता क्या है कि जब हम पानी देते हैं तो सूखी चीज़ें वो सड़ जाती हैं, वो खाद का भी काम करती हैं, अच्छा नाइट्रोजन सोर्स बनती हैं, उनमें पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और पौधों में मल्चिंग भी हो जाती है। तो सूखी पत्तियाँ, खराब सूखे हुए फूल, ये बिछाकर भी जो है आप ऊपर मल्चिंग करके गमलों के अंदर नमी रोक सकते हैं, या फिर आप कागज़ के टुकड़े डाल सकते हैं बारीक बारीक करके। लेकिन ये सब फालतू के काम करने से अच्छे हैं प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें, मतलब सूखे हुई पत्तियां और सूखे हुए फूल डालिए, वो आपके पौधों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और एक उपाय आप ये कर सकते हैं, पानी आपको कुछ पौधों में, जैसे कुछ पौधे ऐसे होंगे आपके पास जिनको सुबह शाम दोनों टाइम पानी की ज़रूरत लगती होगी, तो आप एक बाल्टी में या फिर जो है एक टप में करके सभी पौधों के बीच वाले पोर्शन में पानी थोड़ा रख दिया कीजिए, उससे पानी का जो वाष्पन होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा गमलों के अंदर से, जो भी पानी निकलना होगा वो वातावरण के अंदर जो हमने पानी रखा होगा वो थोड़ा नमी बना कर रखेगा और पौधों के गमलों के अंदर नमी रुकेगी। धीरे धीरे करके मेरा सारा सेटअप जो है वो तैयार हो रहा है। खैर, बहुत सारे पौधे तो ग्रीन नेट के नीचे आ भी नहीं पाए क्योंकि मेरा ग्रीन नेट काफ़ी छोटा था, लेकिन कोई नहीं, ये इधर से जो बड़े पौधे हैं ये कुछ छांव करेंगे, कुछ ग्रीन नेट छांव करेगा और मेरा काम जो है हो जाएगा फाइनली। अभी तो मुझसे अब आगे नहीं होगा, अब कल ही करूँगा। तो फाइनली जो है जो सेटअप देना था वो दे दिया। कल से मुझे कुछ हल्का हल्का सर्दी जुकाम था जो कि आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कल पूरा दिन जो है वो बाहर रहना पड़ा लू लपेट में, शाम को जो है आके ठंडा पानी और ये सब जो है हो गया, उसकी वजह से जो है जुकाम था तो पहले से लेकिन बढ़ गया। इधर देखिए, अब धीरे धीरे करके ग्रीनरी बढ़ रही है इस सेक्शन में। फिलहाल जो है आउटडोर गार्डन का जो है वो मुझे कुछ सेटअप चेंज करना था क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ इधर आ गई हैं, और गर्मी के अंदर होता क्या है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है पौधों के लिए प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाती है। तो मैंने किया क्या कि मेरा ये जो गार्डन का पोर्शन है यहाँ पर धूप जो है वैसे भी सिर्फ अभी एक आध घंटा और रहेगी, अभी दिन के जो है वो मुझे लगता है 1:30 बज रहे होंगे, अभी एक 1:30 घंटा धूप रहेगी, उसके बाद जो है धूप नहीं आती है। लेकिन मैंने ग्रीन नेट लगा दिया, ये सेक्शन जो था इसमें मैंने ग्रीन नेट लगा दिया। अभी मुझे इधर काफ़ी सारे पौधों को रखना भी है, मैंने बहुत सारे पौधे रख दिए हैं, और ये ग्रीन नेट जो है मुझे इसे बीच से टाई करके उस बॉटल पॉम के प्लांट में जो है वो बांधना है, क्योंकि हवा जब बहुत तेज़ आती है तो देखिए कैसे बीच में बिल्कुल उठ जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, तो इससे ग्रीन नेट फट जाएगा बीच में, वैसे चूहे ने जो है वो काट दिया है इसको। बहुत बड़ा ग्रीन नेट मुझे मिला नहीं था क्योंकि उस समय मेरे पास उतना बजट नहीं था, मैं बहुत बड़ा ग्रीन नेट नहीं लगा सकता था, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे जो है ये पूरा जो एरिया है जहाँ पर मुझे पॉट्स रखने हों वहाँ पे ग्रीन नेट रखेंगे। हालांकि मेरे पौधे जो पीछे बड़े बड़े हैं वो सब बड़े हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके उनकी हाइट बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ग्रीन नेट के से ज़्यादा छांव जो है मुझे वो पौधे दे देंगे। और यहाँ पर मेरे प्लांट्स रखने का, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, मोटिव जो था वो गार्डन का सेटअप चेंज करना तो था ही, और कई सारे फायदे हो जाते हैं पौधों को इधर उधर करने में, जो प्रॉब्लम चल रही होती है पता चल जाता है। ढेर सारे गमलों में हम सबको प्रॉपर नहीं देख पाते, लेकिन जब इधर उधर करते हैं तो पता चल जाता है। दूसरी चीज़ जो है, इधर बड़े पौधे हैं तो उनकी छांव मिल जाएगी, ग्रीन नेट भी लग गया यहाँ इधर आसानी से क्योंकि बड़े पौधों में ट्राई करना आसान था। तीसरी चीज़ जो है, ग्रुप में रखे होंगे तो भी नमी जो है वो बनी रहेगी। तो ये कई सारे फायदे हैं, बाकी जो है अभी बहुत सारा काम इधर बचा हुआ है। तो ये जो है इतनी चेंजिंग मुझे करनी है, मैंने काफ़ी हद तक कर भी लिया है, अगर तबीयत सही होती तो शायद मैं पूरा का पूरा जो है आज ही सारा सेटअप कर लेता। खैर, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल किसी नए ब्लॉग में। धूप बहुत तेज़ है और प्रॉपर टी शर्ट या शर्ट पहन के ब्लॉग करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।